सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुश मांडा IAS HCS Academy को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुश मांडा अकेडमी। और जैसा कि आज 12 फरवरी है और आज यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आया है, तो ये जैसे कि आप डेट भी देख पा रहे हो और लास्ट डेट जो है आपकी वो 3 मार्च है और बाकी 796 टोटल पोस्ट है, 796 टोटल पोस्ट हैं। और इसके अलावा 31 मई को आपका प्रीलिम का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ इसे और कि एलिजिबिलिटी क्या है, हाउ टू अप्लाई, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये इनकी वेबसाइट है, आप यहाँ से अप्लाई किया जा सकता है डिटेल देने के बाद। और इसके अलावा ये डेट मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 मार्च को इसकी लास्ट डेट है और जो ये एग्ज़ाम होगा जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है, 4 रॉन्ग आंसर्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, 2 पेपर होते हैं इसमें, ये आपको पता ही है। चलिए तो इसके अलावा कुछ ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, मोबाइल फोन वगैरह लेकर आपने सेंटर पर नहीं जाना है। और जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, और एक ये लंबी सी लिस्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक लंबी सी लिस्ट है तो इसे आप यहाँ से देख सकते हो। तो टोटल आपके जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये 22 डिपार्टमेंट्स हैं, इसके बाद भी हैं, टोटल ये 24 हैं। टोटल बी ग्रुप वाले भी इसमें कुछ रहती हैं, गजेटेड पोस्ट हैं, हालांकि सब 24 हैं टोटल। तो ये 796 24 वैकेंसी जिसकी मैं पहले से आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा थोड़ा सा जो है ये एक बार ये नोटिफिकेशन आप खुद भी रीड कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, बाकी मैं इसका लिंक अपनी इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये डिटेल दी हुई है इसमें कि, और जो बाकी डिटेल्स हैं थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूँ इसमें। तो अप्लाई कैसे किया जा सकता है इसकी बात हम कर चुके हैं, और सेंटर्स भी इसमें ऑलमोस्ट सभी जितने भी आपके स्टेट हैं सभी में सेंटर होता है। तो ये आपका प्रीलिम एग्ज़ाम है जिसमें एग्जामिनेशन कंप्राइज ऑफ 2 कंपलसरी पेपर्स, 200 मार्क्स ईच। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक पेपर इसमें GS का होता है, एक CSET का होता है जिसको GS2 बोलते हैं, और ये जो CSET है आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो जो पेपर 1 है उसी के मार्क्स जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो GS पेपर 2 है इसमें 80 मार्क्स 80 क्वेश्चंस रहते हैं, जो GS 1 है उसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए, और इसके अलावा जो मेन एग्जामिनेशन है, तो मेन एग्जामिनेशन में जैसे कि आप देख पा रहे हो एक आपकी इंडियन लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई करना होता है, इसके अलावा इंग्लिश का पेपर है जो सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव हम कह सकते हैं, इसके अलावा एक पेपर इसमें एसए का है, GS के 4 पेपर हैं, GS 1, GS 2 और GS 3 और GS 4, और GS के अलावा 4 के बाद आपके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना होता है, ठीक है, उसका पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो सब्जेक्ट को आपने एक ही चुनना होगा, ये इनके मार्क्स दिए हुए हैं, जितने भी पेपर हैं आपके 250 मार्क्स के हैं और जो क्वालिफाइंग नेचर के हैं वो 300 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो टोटल अगर हम इनका करना चाहें तो 1750 मार्क्स के लिए होता है। तो प्रीलिम्स के मार्क्स जो है फाइनल लिस्ट में नहीं आते हैं, मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाते हैं। जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है वो 275 मार्क्स का है, तो टोटल आपका 2025 मार्क्स के लिए होता है। तो बाकी जो ये पेपर है आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, उर्दू में, मराठी में, पंजाबी में, हिंदी, इंग्लिश, मीडियम रखा जा सकता है, ठीक है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से उनको आप रख सकते हो, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो सोशोलॉजी, जूलॉजी, स्टेटिस्टिक्स, लिटरेचर कोई भी रखा जा सकता है इसमें से।
बाकी डिटेल आप इसकी हमारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और डिटेल में पढ़िए एक एक लाइन। और फिर भी आपको कुछ बात समझ में नहीं आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो और हमसे पूछ सकते हो, आपकी पूरी हेल्प हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।